मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कहानी चंदूआ, कहानीकार डॉक्टर करतार सिंह सूरी। चंदूआ कहानी साड़ी ICSE बोर्ड द्वारा प्रमाणित पुस्तक काव कथा संवेदना विच दर्ज है। आज असी कहानी चंदूआ का अगला एक्सट्रैक्ट डिस्कस करांगे, जिस दियां एक्सट्रैक्ट लाइन्स हैं, लै ओ अपने लियाकत दे माण विच बोली, मुन्नी दा बापू तू मैनू उक्का ई गई बीती समझ छड्या, जम्मी भावें पिंड विच आ पर अखां ते शहर विच खोलियां ने, मामी एक वारी अश अश ना कर उठी ते आखी, पहला प्रश्न ए शब्द किसने किस दियां ते केड़ियां गल्लां दे जवाब विच बोले, दूसरा प्रश्न बोलन वाले नूं अपनी केड़ी लियाकत ते मान सी, तीसरा प्रश्न मुन्नी दे बापू ने अपनी पत्नी नूं की शब्द कहे ते क्यों, चौथा प्रश्न मुन्नी दे बापू ने पत्नी दे ए शब्द सुन के की महसूस किया, ए शब्द किसने किस दियां ते केड़ियां गल्लां दे जवाब विच बोले। वार्तालाप दे आधार ते ए शब्द इंदर कौर ने जून सिंह नूं उस समय कहे जदों ओ पूरे परिवार समेत रेल विच बैठ के अपने लखां पति मामे कोल जा रहे हुंदे हन। असल विच जीवन सिंह अपनी पत्नी दे पेंडू पिछोकड़ तो भली भांत जाणू हुंदा है, जिवें वच्छे दे दंद गिणे हुंदे हन उसे तरह जीवन सिंह नूं भी शंका सी कि इंदर कौर अपने बोलचाल दौरान अपने पेंडू पुणे नूं झलका सकती है, इसलिए ओह मास्टरी लहजे विच उसनू कहिंदा है, जरा कून सहन लगे तजीब दा ख्याल रखी, वड्डे आदमी होए ए ना दिल विच सोचन भई किहो जहे गवारा नाल उन्हां दी साकेदारी है। इस तरह ए शब्द सुन के ओ इंदर कौर अपने लियाकत दे मान विच उपरोक शब्द आखदी है। बोलन वाले नू अपनी केड़ी लियाकत ते मान सी, बोलन वाले तो भाव इंदर कौर है, इंदर कौर नू अपनी बोलचाल ते पूरा पूरा माण सी। असल विच जून सिंह अपने मामे गोपाल सिंह दे घर जा रहा सी अते उसनू अपनी पत्नी दी लियाकत ते शंका सी कि किते ओ अपने गल्लां दे राही अपनी गुरबत अते पेंडू पुणे दा प्रगटावा ना कर देवे, पर इंदर कौर जैसा देश वैसा पेस दे कथन अनुसार कहिंदी है कि वह अपनियां गल्लां नाल मामी नू की लवेगी अते ओ एक वार अश अश कर उठेगी, इस तरह ओ अपने पति दे मन विच पैदा होए डर नू दूर कर दिया अते तहजीब ते मान दा प्रगटावा कर दिया उपरोक शब्द कहिंदी है। हुन बच्चे थर्ड प्रश्न देखो, मुन्नी दे बापू ने अपनी पत्नी नू की शब्द कहे ते क्यों, मुन्नी दे बापू तो भाव जीवन सिंह है, जिवें मास्टर अपने विद्यार्थी नू इम्तिहान ते जान तो पहला समझौंदा है, उसे तरह जीवन सिंह भी अपनी पत्नी नू मामे दे घर अपड़न तो पहला समझाना शुरू करदा है कि ओ कून सहन लगे तजीब दा ख्याल रखे, क्योंकि उसदा मामा वड्डा आदमी है भाव अमीर घराने नाल संबंध रखता है, ते ओ ए ना सोचे कि किहो जे अनपढ़ गवारा नाल उसदी रिश्तेदारी है। ए शब्द जून सिंह ने अपनी पत्नी नू इस लई कहे क्योंकि उसदे मन विच डर सी कि उसदी पत्नी पेंडू पिछोकड़ नाल संबंध रखती है ते एक गवार औरत है, ते नाल ही नाल उसने अते उसकी पत्नी ने सारी उम्र गरीबी दी चक्की चौंदिया बतीत कीती सी, ते वो अपने परिवार समेत पहली बार अपने तनाड़ मामे दे घर जा रहा सी जिसका वड्डे वड्डे लोकां नाल उठना बैठना सी, उसदे मन विच भरम हुंदा है कि इंदर कौर किते अपने बोल चाल रही अपना गवार पुना ना झलका दे, इसलिए उसनू सुचेत करदिया
उपरोक शब्द कहिंदा है। चौथा प्रश्न देखो, मुन्नी दे बापू ने पत्नी दे ए शब्द सुन के की महसूस किया। सब तो पहले बेटे असी देखांगे कि मुन्नी दे बापू तो की भाव है। मुन्नी दे बापू तो भाव है जीवन सिंह। जीवन सिंह ने अपनी पत्नी भाव इंदर कौर दे ए शब्द सुन के फकर महसूस किया, उसका दिल बागो बाग हो गया। हुण उस तो बाद असी टैक्सट बुक देखांगे। टैक्सट बुक दे पेज नंबर 60 ते आ जाओ, ते ओ आखदा है शाबाशे कह के मुस्कुरांदिया होया जीवन सिंह ने दा दित्ती अते उसकी सलाह ता एक अथापी देन दी होई दी था हुंदी है, पर लागे बैठी सवारियां दे लिहाजों ओ ऐसा ना कर सकिया। ते इस संखेप जहे प्रश्न उत्तरा ने दोहां दे दिलां नूं खुशी नाल छलका दित्ता। भविष्य दे सुनहरी नक्शियां ने उन्हां दियां अक्खां विच नशा जिहा भर दित्ता। इस नशे दी मस्ती विच ओह किन्ना ही चिर गल्लां करदे रहे, जिन्हां दा विशा सी जां बाबे दा दरबार ते अंबरसर दियां सुगातां पापड़ वड़ियां तो लै के मुरादाबादी भांडियां तक। इस विचाले जदों भी पैसियां दा सवाल आउंदा, पति दी इक्को दलील नाल पत्नी दी तसल्ली हो जांदी, मामा जू है उत्थे। ठीक है, ते इस तों बाद गल्लां करदियां करदियां जीवन सिंह नूं ऊंग आ जांदी है। ठीक है, ते ओह अपनी नींद दा भंगा पूरा करना शुरू कर दिंदा है। इस तरह बच्चे असी यह सारा एक्सट्रैक्ट हिंसी मदद दे नाल डिस्कस कर लिया है। तुसी हुन इसनू अपनी कापी ते नोट करना है।